हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के एक टॉपिक पे, और वो है कि मनी लेसन्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए इफ वी आर इन 40s, राइट। तो 41 से लेके 49 तक, या 40 से लेके 49 तक, जैसे भी आप बोलना चाहें। तो 40s में हमारे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद सो मेनी फाइनेंशियल प्लानिंग थिंग्स विच वी हैव डन, ठीक है। तो 40s में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे काफ़ी सारी मैंने चीज़ें भी सीखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स दे फेस, उसके बेसिस पे ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने 10 पॉइंट्स रखे हैं कि क्या चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, राइट। अगर हम फ्रॉम मनी परस्पेक्टिव, राइट, और फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनकॉम्प्लिकेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली। मतलब जो 40s में जो मेरे क्लाइंट्स जो मैंने बात की है ना, उनमें से मेजरली मैंने एक ये इशू देखा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो रहता है। हर जगह पे इधर उधर, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे, ये भी किया हुआ है सर, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी रियल एस्टेट में भी है, ये FDs भी हैं, RDs भी हैं, फिर अगर NRI है तो मेरा FCRA अकाउंट भी है। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है मोस्टली पोर्टफोलियो का कि उसको रैशनलाइज करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसको सबसे पहले अनकॉम्प्लिकेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए अपने मनी को। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ईजिली रिव्यू भी कर पाएंगे, मैनेज भी कर पाएंगे, और उसको ईजिली, मतलब अगर आगे एस्टेट प्लानिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो वो सब चीज़ें बहुत आसानी से हो पाएंगी। जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपको बोल रहा हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी, और बहुत सारा पैसा इस कॉम्प्लिकेशंस में लूज हो जाता है, वी डोंट इवन नो अबाउट इट, ठीक है। तो पहला पॉइंट सबसे पहले ये है। सेकंड जो पॉइंट है वो है एसेट एलोकेशन, जो है ना वो 40s में बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस पे आ जाता है। 30s में जब हमने वीडियो बनाया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रहा हूँ, तो 30s वाले में भी हमने एसेट एलोकेशन की बात की थी, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 40s में वो एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाता है कि हमारा क्या एसेट एलोकेशन है। हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितना रियल एस्टेट में है, हमारा कितना पैसा जो है वो क्या कहते हैं डेट में है, कितना इक्विटी में है, राइट, और हमारा कितना पैसा गोल्ड में है। तो हमें एग्जैक्टली अपना एसेट एलोकेशन पता होना चाहिए, और अगर हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, राइट। तो एसेट एलोकेशन जो है वो अनकॉम्प्लिकेट का ही पार्ट है। जब आप अनकॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये समझ पाएंगे कि हाँ यार, इतना मेरा इक्विटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में है, इतना डेट में है, राइट। तो कितना, ऐसा तो नहीं है एक एसेट में बहुत ज़्यादा मैं एक्सपोज्ड हूँ, राइट, और ये बहुत बार होता है, राइट। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेट एलोकेशन, मतलब आपको पता होना ही चाहिए मेरा करंट एसेट एलोकेशन क्या है और मुझे कहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की चाहे एडवाइस लगे, चाहे कैसे भी सोचें आप, या आप खुद एक डिसाइड करें, बट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है कि एसेट एलोकेशन क्या है। थर्ड जो है, मोस्टली जो 40s में क्या होता है कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते हुए, राइट। तो हम एक ऑलमोस्ट एक पीक ऑफ द करियर में होते हैं अपने, राइट। हमारी इनकम भी एक काफ़ी अच्छे एक ऑलमोस्ट पीक ऑफ द करियर में 40s में होती है, बट हमारे एक्सपेंसेस भी हमारे पीक पे ही होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस उस टाइम वी हैव किड्स, जो मोस्टली एक यंग किड्स होते हैं हमारे, तो उनके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट, और हमारा लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से वहाँ पर एक अच्छे पीक पे पहुँच जाता है, राइट। तो हमारी इनकम भी और हमारे एक्सपेंसेस भी दोनों पीक पे होते हैं उस टाइम पे, राइट। तो उस टाइम पे ये चीज़ समझनी कि हम इनफ सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, राइट। और तो ये सारी चीज़ें, अपना इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक पीक पे हैं और उस टाइम आप इनफ सेव नहीं कर रहे हैं और स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी आपके फिर आगे रिटायरमेंट प्लान्स पे या बाकी गोल्स पे इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो हम अगर पीक ऑफ द करियर पे हैं तो हमारा सेविंग्स भी उस टाइम ये सोचना चाहिए कि हमारा पीक ऑफ द करियर पे हो, नॉट बिलो दैट, राइट। तो वो चीज़ हमारी ज़रूरी है कि हम सेविंग्स में भी पीक ऑफ द करियर पे हैं या नहीं है, राइट। फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको समझना है कि मोस्टली 40s में किड्स एजुकेशन, क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने बोला कि यंग हो जाते हैं मोस्टली टीनेज में, या फिर जैसे भी, मतलब आपके एज पर मोस्टली टीनेज में दे विल बी देयर, राइट। तो एजुकेशन गोल वो 40s में आपके हाईएस्ट चांसेस है कि 40s में आपका आएगा, आपके बच्चों का एजुकेशन गोल, तो उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करना शुरू करना है अपने को। अगर आप 40s में हैं कि हाँ भाई ये कितना खर्चा हो सकता है, बच्चा कैसा है, कौन सी पढ़ाई, बाहर पढ़ना है, इंडिया में पढ़ना है, कौन सा किसके लिए पढ़ना है, राइट, अगर स्पोर्ट्स में कुछ कर रहा है तो उसका कोचिंग, उसका किट, तो वो सारी चीज़ें, राइट, वो हमें बिल्कुल
एकदम क्लोजली ट्रैक करना है हमारे एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उस टाइम आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ यार इसका ये करने का मन है, ये थॉट प्रोसेस है, तो इसके लिए इतना कॉर्पस मेरे को लग सकता है, तो वो कहाँ है कॉर्पस, उसमें उसके लिए मैं क्या करूँ, बहुत 2-3 साल के बाद ही आने वाला है तो उस कॉर्पस को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, डेट में रखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली फ्रॉम किड्स एजुकेशन। तो किड्स एजुकेशन गोल जब आप 40s में हैं तो बहुत ही क्लोजली आपको ट्रैक करना है, ठीक है। फिफ्थ, सिंस मैंने जैसे बोला ना आपको कि हमारे इनकम और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं उस टाइम पे, तो हमें ना अच्छा खासा एक अंदाजा हो जाता है फ्रॉम एक्सपेंसेस परस्पेक्टिव कि यार मेरा क्या लाइफस्टाइल है और किस टाइप के मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे। तो रिटायरमेंट गोल की जो कैलकुलेशंस होती है ना वो एक काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी तक आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम 20s में रिटायरमेंट गोल की कैलकुलेशन करते हैं तो हम काफी बार या तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की जो हमने उस टाइम अजम्पशंस ली थी वो आगे फुलफिल हो जरूरी नहीं, कम होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो 40s में होते हैं तो आपको ना एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा बच्चों का खर्चा ये है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये खर्चा नहीं होगा, मेरा रेंट का खर्चा है या नहीं है, राइट। तो आपको मैं यहाँ रहूंगा, मतलब आप मुंबई में हैं या फिर दिल्ली में हैं तो मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, राइट। मेरा जॉब कैसा चल रहा है, कब तक मैं काम करना चाहता हूँ उसमें, तो ये क्वेश्चन, राइट, कि मेरे को 55 में रिटायर लेना है, 50 में लेना है, 60 में लेना है, 65 में लेना है, तो मेरा जॉब क्या है, तो वो सारी चीज़ें ना काफ़ी एक 40s में यू हैव अ वेरी वेरी गुड आइडिया अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आप रिटायरमेंट गोल का कैलकुलेशन करके अच्छे से आपको एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा कि इतना कॉर्पस चाहिए, इतना पैसा सेव और करना है, ये चीज़ें करनी है उसके लिए, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 40s में मैंने जो क्लाइंट्स हैं कुछ जो या फ्रेंड्स हैं कुछ या फैमिली में लोग हैं उनसे कई बार ये देखा है कि वी बिकम ना इनफ्लेक्सिबल, राइट, इन फ्यू थिंग्स, मतलब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने बोला 15-20 साल का एक्सपीरियंस, पहले मैं करियर वाइज बोल रहा हूँ कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम ना थोड़ा इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ऑन फ्यू थिंग्स, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी हो सकती है और अपने करियर रिलेटेड भी हो सकती है कि हम इन्वेस्टमेंट में नहीं, यार रियल एस्टेट ने तो मुझे बहुत पैसा बना के दिया है तो मैं तो नहीं चेंज कर रहा एसेट एलोकेशन अपना, बहुत रेगुलरली मैं ये सुनता हूं बात, ठीक है, स्पेशली पीपल इन 40s, नहीं नहीं ये वाला मेरे को कंफर्टेबल है, मेरी इनकम बहुत अच्छी है यार, मुझे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, आई हैव इनफ मनी, राइट, सो आई डोंट हैव टू वरी, तो मेरे को तो ठीक है, मेरे को तो FD में भी पैसा रहे तो मेरे को सेफ रखना है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो एक इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, राइट, बिकॉज ऑफ जो 15-20 साल का जैसे अपना करियर एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो भी है, तो हम थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं कई बार, बाहर का जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं इकोनॉमी में, कंट्री में, या राइट फ्रॉम इवन फाइनेंशियल वर्ल्ड परस्पेक्टिव, तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम बनाए रखें हमेशा अपने अंदर, हमेशा एक लर्न करने की, नई चीज़ सोचने की, नई चीज़ करने की, राइट, एक समझने की, लर्न करने की, वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कभी भी मत छोड़िए अपनी, राइट, एंड दिस इज फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव इवन फ्रॉम करियर परस्पेक्टिव, राइट, कि हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे तो बस यही आता है, मैं यही करूँगा और ऐसे ही करूँगा, तो वो नहीं, जितना आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे इवन इन 40s, इवन दो यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, इवन दो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स विच मेनी अदर डोंट नो, बट फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, इट्स चेंजिंग एंड वी डोंट रियलाइज इट, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हमें फ्लेक्सिबल अगर हम नहीं रहेंगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अस टू कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद है फोकस ऑन इनकम, राइट, कि 40s में मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि व्हाट वी डू इज कि हम स्टक हो जाते हैं कभी कभी जॉब में, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं कभी कभी फ्रॉम करियर परस्पेक्टिव, राइट। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार यही ऐसा ही यही चलेगा मेरे साथ, तो मैं शायद मेरा ये जो स्किल सेट है वो बाहर काम नहीं आएगा, बट आपको समझना है आपके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब यू नीड टू ट्राई एटलीस्ट। कई बार आप इनकम पे भी अपनी इनकम इंक्रीज करने का आपको लगता है ऑप्शन है और कई बार नहीं भी लग रहा है कि नहीं इंक्रीज होगी जो इस लेवल पे मैं हूँ, स्टिल देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विद गुड एक्सपीरियंस तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच यू कैन डू, राइट। तो आपको दूसरा जॉब करना है या स्टार्टअप स्टार्ट करना है या किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना है, ठीक है, एज अ डायरेक्टर और समथिंग, तो वो सारी चीज़ें हमें ओपन रहना चाहिए, हमें इनकम पे फोकस करना चाहिए कि मेरी इनकम और ज़्यादा कैसे बढ़े, क्योंकि एज आई सेड कि यू आर एट अ पीक ऑफ योर करियर, राइट। तो आप उस टाइम पे यू कैन डिमांड, यू हैव सम स्किल सेट, यू कैन डिमांड एंड समटाइम्स वी डोंट रियलाइज कि वी हैव दैट स्किल सेट, अब मार्केट में जाते हो तो पता चलता है, राइट।
सेम फ्रॉम की बिगर पिक्चर को समझना भी बहुत जरूरी है साथ में, कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब, की ऐसे जॉब में हूं क्या 40s में कि जो बहुत स्टेबल नहीं है, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, राइट, मेरी इंडस्ट्री कैसा कर रही है। तो बिगर पिक्चर लेना कि मैं सेबेटिकल ले लूँ अगर 6 महीने का तो कंपनी मुझे वापस हायर करेगी क्या, ये क्वेश्चन जरूर पूछो अपने आपसे कि आप इतने जरूरी हो क्या कंपनी के लिए, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना 40s में ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, स्पेशली विद रिटायरमेंट अगर आपको मतलब गोल थोड़ा दूर है तो ये सारी चीजें भी अपने को पूछना चाहिए, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सी अ बिगर पिक्चर एटलीस्ट फ्रॉम द करियर परस्पेक्टिव, कि वेयर एम आई, राइट, वेयर एम आई फिटिंग, कितना वैल्यू है मेरा, जॉब का रिस्क कितना है, इंडस्ट्री रिस्क कितना है, वो सारी चीजें थोड़ी हमें समझनी बहुत जरूरी है। 9th पॉइंट इज कि हेल्थ चेकअप्स, ठीक है, एंड वेल्थ चेकअप्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 40s एवरी ईयर, राइट, क्योंकि हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी, इस टाइम पे जैसा मैंने बोला कि पीक पे हो आप इनकम के, एक्सपेंसेस के, दोनों के, और हेल्थ वाइज भी, यू नो 40s इज ए वेरी एज की जहां पर हमें हेल्थ अगर हमारी सही रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, बिकॉज वहीं पर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह अगर हम नहीं कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि भी हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें, हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। तो एवरी ईयर हेल्थ एंड वेल्थ चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन 40s। तो आप मान के ही चलिए कि करना ही, अगर 30s में नहीं किया तो ठीक है 40s में जरूर कीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू इन्वेस्ट, टीच योर चिल्ड्रन अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, आपको ही पढ़ाना है अपने बच्चों को, समझाना है कि कैसे चलती है इकोनॉमी, बेसिक चीजें, कैसे चलती है स्टॉक मार्केट, कैसे चलती है डेट मार्केट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्यों हमें पेशेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट में, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन क्या होता है, राइट, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चों को जरूर सिखाएं अपने, राइट, दिस इज द एज इन 40s दैट योर किड्स विल अंडरस्टैंड एंड इट दीज लेसंस दे विल रियली टेक फॉरवर्ड एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है, इन देयर फ्यूचर। सो दैट इज ऑल। जाते जाते अटेंडेंस लगा के लाइक जरूर कीजिए वीडियो, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जो पीपल हु आर इन 40s या इवन लेट 30s तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।